नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कस सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। घर में हरी सब्जी ना हो अथवा कोई स्पेशल सब्जी खाने का मन हो तो आप इसे झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। कच की सब्जी बनाने के लिए मैंने 1 कप चना दाल को अच्छी तरह साफ करके रात भर पानी में भिगोकर सुबह छानकर ले लिए हैं। आपको जल्दी हो तो 4 घंटे में दाल भीग जाती है, तो आप 4 घंटे के बाद छानकर बना सकते हैं सब्जी, और चना दाल की जगह खेसारी दाल भी ले सकते हैं। 4 प्याज को इस तरह से रख के काट लिए हैं, इसमें से आधा चना दाल के साथ पीसेंगे और आधा टमाटर अदरक के साथ पीसेंगे। और ये 4 टमाटर लिए हैं, ये फ्रोजन है इसलिए इसका कलर ऐसा दिख रहा है। और 1 प्याज को इस तरह से बारीक चॉप कर लिए हैं, इसे चना दाल पीसने के बाद डालेंगे। और 3 चम्मच मलाई को इस तरह से फेंट लिए हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी सब्जी बना सकते हैं। हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, नमक 1 बड़े चम्मच या अपने स्वाद के अनुसार लेंगे, जिंजर पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, इसके जगह 1/4 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं, ग्रीन चिली फ्लेक्स 1/4 छोटी चम्मच, इसके जगह 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर भी ले सकते हैं, गरम मसाला 1/2 छोटी चम्मच, धनिया थोड़ा सा काट के लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5-7 कली लहसुन की छील कर इसे बारीक काट लिए हैं, इसे टमाटर प्याज के साथ पीसेंगे ग्रेवी के लिए, जीरा 1/2 छोटी चम्मच, 1 तेज पत्ता और 2 लाल मिर्च, और तलने के लिए तेल और ग्रेवी बनाने के लिए। तो सब्जी बनाने के लिए हमें चना दाल को पीसना होगा, तो सबसे पहले चना दाल पीस लेते हैं मिक्सी जार में रखकर, फिर प्याज टमाटर और अदरक पीसेंगे। तो मैंने चना दाल को पीस लिए हैं, अब ये टमाटर प्याज और अदरक को डालकर पीस लेते हैं। अब हम इसमें जो प्याज बारीक काट कर लिए हैं इसे और सारे मसाले जो हमने लिए हैं इनमें से आधे मसाले डालकर अच्छी तरह से मिला लिए हैं। दाल को हम थोड़ा दरदरा ही पीसेंगे। तो अब सब्जी बनाएंगे, तो सबसे पहले इस तरह गोल कर लेते हैं इसे, जिससे हमें कचरी तलने में आसानी होगी। हम चाहे तो इस तरह से करके और डायरेक्ट पैन में भी रख सकते हैं। तो देखिए मैंने सारे गोल गोल बना कर रख लिए हैं, अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर एक पैन डालकर गैस ऑन कर लिए हैं, अब इसमें तेल 2 चम्मच डालते हैं, तो तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, अब डालते हैं इसमें जो हम गोल गोल बना कर रखे हैं दाल का, ये डाल लेते हैं इस तरह से, और डालकर इस तरह से थोड़ा फ्लैट कर देंगे। तो देखिए मैंने सारे डाल लिए हैं, अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर एक तरफ पहले गोल्डन ब्राउन होने देंगे, फिर पलट लेंगे, फिर दूसरे तरफ से भी गोल्डन ब्राउन करके इसे सेक लेंगे। तो देखिए अब दूसरे तरफ भी अब सिक चुका है, तो निकाल लेते हैं और बाकी का भी इसी तरह से सेक लेंगे। तो बाकी का भी अब सिक चुका है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। तो देखिए सारे तल लिए, अब ग्रेवी बनाते हैं। चलिए इसी पैन में तेल थोड़ा है ही, 1 चम्मच और डाल देते हैं, और इसमें तेज पत्ता लाल मिर्च डालकर थोड़ा इसे पकने देते हैं, फिर हींग जीरा, और जीरा चटकने के बाद गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर सभी को डालकर अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। और तुरंत डालेंगे इसमें प्याज का पेस्ट जो बनाए हैं हमने, वो डाल लेंगे। इसे चलाते हुए थोड़ी देर भून लेते हैं, फिर इसमें टमाटर का पेस्ट डालते हैं और इसे भी चलाते हुए भून लेते हैं जब तक इनमें से तेल अलग ना होने लगे। अब इनमें डालते हैं क्रीम जो हमने फेंट कर रखे हैं, अब इसे डालकर चलाते हुए फिर से भून लेते हैं जब तक इनमें से तेल अलग ना होने लगे। तो ये मसाले सारे भून चुके हैं, अब इसमें जो लाल मिर्च पाउडर रखे हैं वो और नमक डालकर मिला लेते हैं। अब इनमें डालते हैं पानी,
तो पानी अभी 2 कप डाल रहे हैं और एक बार मिला लेते हैं और थोड़ा डालते हैं। टोटल 3 कप पानी डालेंगे इसमें और इसे उबलने देते हैं। उबलने के बाद हम इसमें जो कचरी तल के रखे हैं वो डालते हैं। अब तो इस तरह से डाल लेंगे सभी को। और एक कचरी इतनी टेस्टी होती है कि आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। अभी तो सब्जी हम बना रहे हैं इसलिए इसमें डाल रहे हैं। अब इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो 2-3 मिनट हो चुका है, सब्जी हमारी बन चुकी है। तो इनमें गरम मसाला डालकर मिला लेते हैं और ढककर गैस बंद करके इसी तरह 2 मिनट रहने देते हैं, फिर सर्व करेंगे। तो गैस 2 मिनट हो चुका है, तो अब हम चलते हैं सर्व करते हैं। और कलर देखिए इसका कितनी सुंदर लग रही है देखने में, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। तो आप ज़रूर इसे बनाकर खाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।